दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है पनीर टिक्का ड्राई स्टार्टर। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पनीर टिक्का स्टार्टर बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है पनीर के क्यूब्स, रेड कैप्सिकम, टमाटोज, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, गरम मसाला, हंग कर्ड, थिक कर्ड जिसे कहते हैं, जल जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, रोस्टेड किया हुआ चना का आटा, हींग, हल्दी और धनिया पाउडर। हंग कर्ड लिया है मैंने यहाँ पे। दही को मैंने गरम करके उसका पानी निकाल के उसको एक कपड़े में बांध दिया था 30 मिनट्स तक। 1/3 स्पून हींग और 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, रोस्टेड किया हुआ चना आटा। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल में चना आटा को रोस्ट किया था। 2 टेबल स्पून जितना आप चना आटा ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे, ग्रीन कैप्सिकम ऐड करेंगे, टमेटोस, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम। अच्छे से मिक्स करना है इसे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें 30 मिनट्स तक मैरिनेट करना है। आपको 30 मिनट्स तक फ्रिज में रखना है। 30 मिनट्स हो गया है और हमारा पनीर टिक्का भी मैरिनेट हो गया है। अब हम इस तरह का एक स्क्यूअर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल टूथपिक पे भी कर सकते हैं। मैंने एक रेडी कर लिया है, इसी तरह मैं दूसरे स्क्यूज में भी इसे डाल दूंगी। अब हम इसे गैस पे ग्रिल करेंगे। आप इसे ग्रिल पैन में भी कर सकते हो, ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल इजी वे है गैस पे करना। अच्छे से चारों साइड आपको इसे घुमाते घुमाते करना है। अगर आप टूथपिक से कर रहे हो तो आप ग्रिल पैन पे करिए, वो भी एकदम इजी प्रोसेस है। थोड़ा सा जलजीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। आप इस पे चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट जलजीरा से टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।